नमस्ते मित्रों, आज जो मूवी मैं आपके लिए लेके आया उसका नाम है कैसा डेगा। तो कहानी शुरू होती है जहाँ पर हम एक छोटा बच्चा देखते हैं जो लड़कियों के कपड़े पहनकर लड़कियों के खिलौने से खेल रहा होता है। पर तभी उसकी मॉम आ जाती और उसकी मॉम उसको ये करता देख काफी बुरा भला बोलना शुरू कर देती है और उसके पहने हुए कपड़े उतार कर उसके सारे खिलौनों को तोड़ देती है और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन अब ये लड़का इतना गुस्सा होता है कि वो अपने हाथ से ही अपना प्राइवेट पार्ट काट देता है। और जब दोबारा से उसकी मॉम रूम के अंदर आती है तो ये देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। इसके बाद कहानी कुछ साल आगे चली जाती है जहाँ एक स्कूल में हम एक लड़की देखते हैं जिसका नाम लिली होता है और वो यहाँ पर एक टीचर है। और लिली एक बहरी लड़की है जो लोगों के लिप्स रीड कर उनकी बातों को समझ पाती है। और लिली के साथ उसी के स्कूल में उसकी छोटी बहन भी पढ़ती है। और इसके बाद लिली की सिस्टर स्कूल से घर के लिए निकल जाती है पर उसके जाते के बाद ही स्कूल के बाहर ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और अपनी बहन की मौत के कारण लिली अंदर से टूट जाती है और वो इस दर्द को भुलाने के लिए इस शहर को छोड़कर एक दूसरे शहर के लिए निकल जाती है जिस शहर का नाम कैसा डेगा होता है। और लिली इस शहर में आकर दोबारा से बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती है। और इसी बीच लिली की मुलाकात उसी की एक स्टूडेंट के डैड से होती है जिसका नाम माइक होता है और ये आदमी पेशे से एक पुलिस वाला है। और कुछ ही समय में लिली और माइक एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं क्योंकि माइक का डिवोर्स भी उसकी वाइफ से हो चुका है। और इसी बीच लिली को उसकी एक कलीग जिसका नाम क्लेयर होता है वो उसे अपने ही घर में रहने की बात बोल देती है। और इसके बाद लिली क्लेयर के साथ उसके ही घर में रहने लग जाती है। और इस घर में क्लेयर के साथ उसका एक बेटा भी रहता है जो स्वभाव से काफी ज्यादा साये है और उसके हरकतें भी अजीब हैं। और ऐसे ही एक दिन क्लेयर लिली को बोलती है कि वो उसके बेटे थॉमस के कमरे में जाकर चेक करे कि सब कुछ ठीक। और जब लिली थॉमस के कमरे में जाकर देखती है तो वहां देखती है कि थॉमस कंप्यूटर में फोन देखता हुआ मास्टरबेट कर रहा है, जिसे देखकर लिली वहां से चुपचाप वापस चली जाती है। अब नेक्स्ट डे माइक और उसकी बेटी लिली के घर पेंटिंग सीखने आते जहाँ पेंटिंग के बाद लिली माइक अपनी फैमिली फोटो दिखाती है और अपनी फैमिली की पूरी स्टोरी बताती है। और ये सुनकर माइक भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है और अब वो भी लिली को और ज्यादा पसंद करने लग गया है। और इसके बाद माइक जाते टाइम लिली को अपने साथ डेट पर चलने के लिए पूछता है जिसके लिए लिली भी हाँ कर देती है। इसके बाद वो दोनों अगले दिन एक बार में डेट के लिए मिलते हैं जहाँ पर माइक ने पहले से ही अपने दो दोस्त बुला रखे होते जिसमे एक का नाम ऑड होता है और दूसरे नाम क्रिस। और यहीं पर ऑड और क्रिस आपस में बहस करते हैं क्योंकि क्रिस भूतों पर काफी ज्यादा यकीन करता है और ऑड ये सब नहीं मानती है। वो दोनों ही अपनी बातों से एक दूसरे को कन्वेंस करने की कोशिश करते हैं जिस बीच में क्रिस उन सबको एक ऐसे इंसान की बात बताता है जो मरे हुए लोगों की आत्मा से बात कर सकता है। और इसके बाद वो ये सब प्रूफ करने के लिए उन सबको उस इंसान के घर लेके जाता है। पर घर पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि वो आत्माओं से बात करने वाला आदमी इस समय घर में नहीं है। लेकिन घर के बाहर उन लोगों को एक मैक्सवेल नाम का आदमी मिलता है जो उन लोगों को बोलता है कि अगर उन लोगों को घर के अंदर जाना है तो उन लोगों को $100 देने होंगे। और ये सुनकर लिली उसको पैसे देने के लिए तैयार हो जाती है पर बदले में वो बोलती है कि उसे अपनी बहन की आत्मा से बात करनी है। वो लोग उस आदमी को पैसा देकर अंदर चले जाते हैं जहां उन्हें वो औरत मिलती है जिसका नाम सुजैन होता है। और अब सुजैन लिली की बहन से बात कराने के लिए उसकी एक उंगली अपने पास रखे एक डिवाइस पर लगाती है और देखते ही देखते लिली अपनी मरी सिस्टर की आत्मा से बात करना शुरू कर देती है। और कमाल की बात ये होती है कि लिली बहरी है पर तब भी उसको उसकी बहन की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही होती है। लेकिन तभी अचानक से एक और दूसरी आत्मा वहां पर आ जाती है और वो जबरदस्ती लिली से बात करने की कोशिश करती है जिसके बाद वो आत्मा लिली को काफी नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है जिस कारण से लिली बेहोश हो जाती है। और उसके बेहोश होने के बाद सुजैन भी बेहोश हो जाती है जिसके कुछ टाइम बाद लिली को होश आ जाता है। तो माइक अब उसको घर ले जाने लगता है लेकिन मैक्सवेल माइक को बोलता है कि अभी अभी यहां पर एक दूसरी आत्मा ने आकर इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी थी। तो वो बोलता है कि सुजैन के होश में आने तक उन लोगों को यहीं पर वेट करना चाहिए क्योंकि ये भी हो सकता है कि वो आत्मा अब लिली को कंट्रोल कर रही हो। पर माइक उसकी बातों को अनसुना कर लिली को वापस घर ले आता है। पर उसी रात जब लिली सो रही होती है तो अचानक से उसकी नींद खुल जाती है और वो अपने घर में एक आत्मा को खड़ा देखती है। पर जैसे ही वो लाइट ऑन करती है तो वो आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद हम लोग अगले दिन एक लड़की को पार्क में वॉक करते हुए देखते हैं पर वहाँ पर एक इंसान आकर उस औरत को बेहोश करके किडनैप कर अपने साथ ले जाता है। और दूसरी तरफ लिली अपनी क्लास में होती है, अचानक से उसकी नजर उसके हाथ पर जाती है और वो अपने हाथ पर देखती है कि उसका हाथ पूरी तरह से सड़ गया है जिसमें से कीड़े निकल रहे हैं। ये देखकर लिली बेहोश हो जाती है। इसके बाद माइक लिली से हॉस्पिटल में मिलने आता है जहाँ लिली माइक को बताती है कि जब से वो सुजैन के पास से वापस आई है उसके साथ अजीब अजीब चीजें होने लगी हैं और उसे आत्माएं भी दिख रही हैं। पर माइक ये सब चीजों पे भरोसा नहीं करता है तो वो उसे बोलता है कि ये सब उसके ज्यादा सोचने के कारण हो रहा है। और इसके बाद माइक लिली को पार्क लेके जाता है और थोड़ा घूमने के बाद वो दोनों लिली के घर चले जाते हैं जहां आज रात ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। पर जिस समय वो दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं एक आत्मा इन दोनों को दूर खड़ी देख रही होती है और दूसरी तरफ हम उस इंसान को देखते हैं जो उस लड़की को पार्क से किडनैप कर यहां ले आया है। और ये एक साइको आदमी है और ये वही बच्चा
है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, जिसने अपने हाथों से ही अपना प्राइवेट पार्ट काट दिया था और अब ये पूरी तरह से साइको हो चुका है। और यहाँ इस साइको ने इस लड़की की हालत काफी बुरी कर दी है, जिसमें उसने लड़की के हाथों को काट दिया है और उनमें नकली हाथ लगा दिए हैं। और लड़की को देखने पर लगता है कि ये साइको इस लड़की को एक कठपुतली बनाना चाहता है और वो रस्सियों की मदद से उस लड़की से कठपुतलियों की तरह खेलता है। यहाँ नेक्स्ट डे लिली खुद को फ्रेश करने के लिए एक पेंटिंग बना अपने घर से बाहर जाती है, जहाँ उसे एक काफी खूबसूरत घर दिखता है, तो वो उस घर की पेंटिंग बनाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर उस घर का मालिक क्रिश्चियन आ जाता है, जिसके बाद ये दोनों आपस में बात करते हैं और क्रिश्चियन उसे बताता है कि आज से 4 साल पहले उसके इस घर में एक लड़की रहने आई थी, पर वो लड़की अचानक से गायब हो गई और आज तक उस लड़की का कोई पता नहीं चल पाया कि वो कहाँ गायब हो गई। पर ये बात लिली सीरियस ले लेती है और वो घर आकर इंटरनेट पर उस लड़की के गायब होने की न्यूज चेक करती है, तो उसे पता चलता है कि ये वही लड़की है जिसकी आत्मा उसे बार बार दिख रही है और इस लड़की का नाम जेनिफर था। तो वो जल्दी से उन सभी डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट आउट निकालती है, जिसके बाद वो किचन में जाकर फ्रिज से दूध निकालती है। पर जब वो दूध पीती है, वो तुरंत ही उस दूध को वापस मुंह से बाहर फेंक देती है और वो देखती है कि उस दूध में भी काफी सारे कीड़े हैं। और तभी अचानक से वहां पर उस लड़की की आत्मा आ जाती है और इस बार जेनिफर की आत्मा लिली को कुछ दिखाने की कोशिश करती है, जिसके बाद लिली दोबारा से बेहोश हो जाती है। और जब वो होश में आती है तो वो दोबारा से माइक को पूरी बात बताती है, पर दोबारा से माइक उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता है। पर उसी टाइम लिली दोबारा से उल्टी कर देती है और इस बार उसकी उल्टी से काफी सारे कीड़े निकलते हैं और ये देखकर माइक भी थोड़ा सा घबराता है और वो उस पर थोड़ा थोड़ा विश्वास करना शुरू कर देता है। इसके बाद माइक लिली को ये घर छोड़ने के लिए बोलता है, तो लिली अपने सभी सामान पैक करके माइक के साथ वहां से जाने लगती है। पर रास्ते में ही जेनिफर की आत्मा उनकी कार पर अटैक कर देती है, जिस कारण से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद ये दोनों दोबारा से सुजैन के पास जाते हैं, जहां ये लोग सुजैन को पूरी बात बताते हैं। और अब ये दोनों सुजैन को बोलते हैं कि उसे दोबारा से जेनिफर की आत्मा से बात करनी चाहिए, ताकि वो लोग पता लगा सके कि वो लिली के पीछे क्यों पड़ी है। पर अब सुजैन इतनी ज्यादा डर गई होती है कि वो ये करने से साफ मना कर देती है, क्योंकि ये करने से उनमें से किसी की भी जान जा सकती है। पर सुजैन उन्हें बोलती है कि जेनिफर की आत्मा लिली को यहाँ से जाने देना नहीं चाहती है, शायद जेनिफर की आत्मा लिली से कोई काम करवाना चाहती है और उसे वो बार बार कुछ दिखा रही है। तो सुजैन लिली को एडवाइस करती है कि जब भी जेनिफर की आत्मा उसे कुछ दिखाए तो वो अच्छे से उसे ध्यान रखे और उसे समझने की कोशिश करे, और उसी से उन्हें पता चल सकता है कि वो क्या चाहती है। इसके बाद लिली माइक के एक दोस्त के घर रहने चली जाती है और अब लिली जो भी सपने देखती है उन सभी की पेंटिंग बनाना शुरू कर देती है, ताकि वो उन्हें और अच्छी तरह से समझ सके। और दूसरी तरफ माइक भी उस पुलिस ऑफिसर से जाके मिलता है, जिस पुलिस ऑफिसर ने जेनिफर के गायब होने के बाद उसका केस इन्वेस्टिगेट किया था, और वो उस ऑफिसर से कुछ जानकारी निकालने के लिए बोलता है। और दूसरी तरफ लिली को क्लेयर के बेटे थॉमस पर शक होता है, तो वो एक दिन चुपके से थॉमस के रूम में घुस जाती है, जहां वो उसके कंप्यूटर को खोल के देखती है और कंप्यूटर में वो जेनिफर की काफी सारी प्राइवेट फोटो देखती है जो थॉमस ने चोरी से ली थी। तो वो जल्दी से वो सारा डाटा अपने साथ लाई पेन ड्राइव में कॉपी कर लेती है, पर तभी वहां पर थॉमस आ जाता है, जिसे देखकर लिली छुप जाती है और सही मौका देखकर वो वहां से सुरक्षित निकल आती है, जिसके बाद लिली वो सारी फोटो माइक को भी दिखाती है। पर इसी बीच माइक के पास फोन आता है और दूसरी तरफ हम उसी साइको को देखते हैं, जो अभी तक उस लड़की को कठपुतली की तरह बनाने में लगा हुआ है और अब वो उस लड़की को कठपुतली की तरह चला रहा है। पर वो लड़की उस तरह से नहीं चल पाती है जिस तरह से साइको चाहता है। इस सबसे काफी परेशान होकर वो लड़की उस साइको को बोलती है कि वो उसे जान से मार दे। इसके बाद वो साइको एक कैंची की मदद से बड़ी बेरहमी से जान से मार देता है, जिसके बाद वो साइको भी रोने लग जाता है, क्योंकि वो साइको काफी समय से काफी सारी लड़कियों को किडनैप कर यहाँ ला चुका है, पर वो आज तक अपनी मनचाही कठपुतली नहीं बना पाया, जिस कारण से उसे लगता है कि वो फेल हो गया है। और दूसरी तरफ माइक लिली के साथ उसी के घर में होता है, जहाँ अचानक से जेनिफर की आत्मा लिली को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। इससे परेशान होकर लिली खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है, लेकिन उस रूम में भी जेनिफर की आत्मा लिली को परेशान करती है। और लिली की आवाज सुन माइक दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है और अंदर लिली बेहोश पड़ी होती है, पर माइक उसे संभालता है। और अगले दिन माइक दोबारा से लिली के पास आता है, जहां वो अब बोलता है कि वो दोनों अब इस रिलेशनशिप में नहीं रह सकते और वो अब दोबारा से उससे कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी एक्स वाइफ ने उसे धमकी दी है कि वो उनके रिलेशनशिप के बेस पर कोर्ट से उसकी बेटी को वापस ले लेगी, क्योंकि लिली की दिमागी हालत खराब है और माइक किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को नहीं खोना चाहता है, और वो ये बोलकर वहां से चला जाता है। इसके बाद लिली काफी ज्यादा दुखी होती है और वो गुस्से में सभी पेंटिंग्स को यहां वहां फेंकना शुरू कर देती है, और ये सभी पेंटिंग मिलकर उसी ग्रीन हाउस का चित्र बना देती है जहां लिली पेंटिंग करने गई थी। तो उसे पता चल जाता है कि जेनिफर उसे उसी ग्रीन हाउस का इशारा कर रही है, जिसके बाद लिली सीधा उसी ग्रीन हाउस पहुंच जाती है, जिसके बाद वो वहां का लॉक तोड़कर उसके अंदर घुस जाती है। और थोड़ा ढूंढने के बाद उसे वहां पर एक खुफिया जगह मिलती है, जहां पर उसे लिली की बॉडी मिल जाती है। और इसी के बाद लिली को पता चल जाता है कि यही साइको इंसान जेनिफर को भी यहां लाया था और उसने जेनिफर को भी कठपुतली बनाने की कोशिश करी थी, और कठपुतली ना बनने के कारण उसने जेनिफर को भी मार दिया था, जिसके बाद लिली वहां से बाहर भागती है। पर तभी वहां पर थॉमस आ जाता है और थॉमस लिली को पकड़ लेता है, पर तभी अचानक से वहां पुलिस आ जाती है और वो थॉमस को अरेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद पुलिस लिली को एक होटल में रहने के लिए
बोलते हैं, क्योंकि अगले ही दिन थॉमस को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर लिली को भी गवाही देने जाना होगा। लेकिन उसी रात दोबारा से होटल में जेनिफर की आत्मा लिली को परेशान करती है, जैसे उसे अभी भी लिली को कुछ बताना है। पर नेक्स्ट डे वो पुलिस ऑफिसर लिली को बताता है कि थॉमस बेगुनाह है, क्योंकि थॉमस को तो उस ग्रीन हाउस के बारे में कुछ भी नहीं पता है, उसने तो लिली को केवल एक चोर समझकर पकड़ लिया था। इसके बाद पुलिस और लिली उस ग्रीन हाउस के ओनर क्रिश्चियन के पास जाती है। पुलिस वाला लिली को कार में ही रहने को बोलकर खुद क्रिश्चियन के पास पूछताछ करने चला जाता है, और बातों ही बातों में पुलिस को उस पर शक होता है, जिसके बाद तुरंत ही क्रिश्चियन उस पुलिस वाले को मार डालता है। जिसके बाद क्रिश्चियन लिली की कार के पास आ जाता है और वो एक केमिकल से लिली को बेहोश कर देता है। इसके बाद जब लिली की आंख खुलती है तो वो खुद को उसी साइको के पास पाती है, और ये वही टॉर्चर रूम है जहां पर ये साइको लड़कियों को लाकर कठपुतली जैसा बनाने की कोशिश करता है। और यहां पर हम लोगों को पता चलता है कि क्रिश्चियन ही वो साइको इंसान है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में अपना प्राइवेट पार्ट काटते देखा था, और अब ये लिली को भी कठपुतली बनाना चाहता है, और ये अब लिली के ऊपर भी वही सारी चीजें करेगा। पर मौका देखकर लिली वहां से भागने की कोशिश करती है, पर साइको दोबारा से उसे पकड़ लेता है, पर लिली उसे घायल कर वहां से बाहर भाग जाती है। और बाहर लिली देखती है कि ये जगह एक जंगल है, तो लिली वहां साइको की खड़ी कार को लेकर वहां से भागने लगती है, पर वो साइको भी अपनी कार से लिली का पीछा करता है, और ज्यादा स्पीड होने के कारण लिली की कार पलट जाती है। और फिर क्रिश्चियन लिली को कार से निकाल कर जान से मारने वाला होता है कि वहां पर जेनिफर की आत्मा आ जाती है और वो उसको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है, और इस मौके को देखकर लिली उस साइको की कैंची से उसे जान से मार डालती है। इसके बाद जेनिफर की आत्मा लिली के काफी पास आती है, और अब जेनिफर की आत्मा लिली से उसकी बहन की आत्मा से लास्ट टाइम बात कराती है, और इसके बाद मूवी खत्म हो जाती है। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको मूवी कैसी लगी, और साथ में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको एक दो घंटे की मूवी 5-10 मिनट में एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, जिससे आपको पता चल जाता है कि ये मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। धन्यवाद।